पुरानी मूवीज में सबसे ज्यादा कॉमन क्या था? एक माँ, अधिकतर ये माएं विधवा होती थी और अक्सर इन माओं का पैदा होते ही कोई बेटा चुरा लेता था। आई मुझे लगता है कि पुरानी मूवीज देखकर ही लोगों के अंदर इतना डर बैठ गया कि शायद सब इसीलिए 5-6 बच्चे पैदा करने लगे कि एक दो बच्चे तो अपने आप गुम हो जाएंगे और एक दो बच्चे अगर किसी ने चुरा भी लिए तब भी हमारे पास 2 बचते हैं। पुरानी मम्मी लोग इतने केयरलेस होते थे क्या यार? मंदिरों के बाहर से इतनी चपले चोरी नहीं होती जितना आप लोगों के बेटे चोरी हो जाते थे। ये विलन लोग कितने हरामी होते थे यार, पैदा होते ही बेटा छीन लिया। बेचारी मूवी भर हर लड़के से पूछती रहती है, तू मेरा बेटा है क्या? तू मेरा बेटा है क्या? तू मेरा बेटा क्या? नाम अब्दुल, नाम बदल लिया बेटा, लेकिन तू मेरा ही बेटा है। तुम बचपन से अनाथ रहे हो और अचानक से कोई बूढ़ी औरत आके बोलती है मैं तेरी माँ हूँ। और टिपिकल मम्मी लोग मिलते ही काम दे देंगे, जा जाके बाप का बदला लेके आ, जा ये बीड़ी वगैरह बाद में पीना, जा जाके बाप का बदला ले पहले। अब बात करते हैं पापा लोगों की। तुमको एक भी ऐसी पुरानी मूवी नहीं मिलेगी जहाँ हीरो के पास माँ और बाप दोनों हो। लाइक सालों लग गए बॉलीवुड को ये समझने में कि बच्चों की परवरिश में पापा भी इम्पोर्टेंट हैं, भले कम हैं लेकिन हैं। बाप ने स्पर्म दिया, बच्चा पैदा हुआ, बाप को गायब कर देते हैं, बेचारा वो हीरो पूरी मूवी भर लोगों से पूछता रहता है, ए गुलाबी गेंडे तू जानता है क्या मेरा बाप कौन है? कौन है बे तेरा बाप? कोई दादा है क्या? भैया प्लीज पता चल जाए तो बता देना, मिल जाए तो बता देना, पिछले 22 साल से उनको ढूंढ रहा हूँ मैं। मत रो भाई मत रो, मिल जाएंगे तुम्हारे बाप जरूर। कोई फोटो है? यार उस माँ का सोचो, तुमने उसका बेटा भी छीन लिया, तुमने उसका पति भी गायब करा दिया, अब वो दूसरा बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती। जहाँ लड़के इतने गुम हो रहे थे वहीं लड़कियों को बहुत अच्छे से पाला जाता था, क्योंकि हर बाप का एक ही सपना था कि वो अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी पे उसकी शादी घोषित कर दे उस बेटी से बिना पूछे। क्यों? क्योंकि उसने बचपन में अपने दोस्त को दारू पी के वादा कर दिया था कि मेरी बेटी की शादी तो तेरे बेटे के साथ ही होगी। और देखो यार, वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। क्या बेटी तो बार बार पैदा कर सकते हैं, दोस्त थोड़ी मिलते हैं इतनी आसानी से। बेटा आई हैव फाउंड अ परफेक्ट मैच फॉर यू, मीट विकी मल्होत्रा। अबे तू बाप है या टिंडर? हर मूवी में सिर्फ और सिर्फ फैमिली रियूनियन होता है। किसी हरामी विलन ने फिल्म के शुरुआत में ही सारे फैमिली मेंबर्स को बिखेर के फैला दिया, अब एट द एंड तक उन सारे फैमिली मेंबर्स को बस एक दूसरे से मिलना है, दैट्स इट। तुमको पता है मेरी मम्मी मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती है कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, कि मैं हमेशा बड़ों की और बाकियों की इज्जत करूँ, कि मैं अच्छी बहू लेके आता हूँ। पुराने जमाने में बहुत ईजी था यार, वहाँ पे मम्मियों को सिर्फ अपने लड़कों से इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि वो उनसे मिल सके, दैट्स इट, कि वो उस बच्चे को बता सके मैं ही तेरी माँ हूँ और तेरा बाप हराम ही नहीं था, वो हमें छोड़ के नहीं भागा था, उसे विलन ने मार दिया था, अब तू जा और उससे बदला ले अगर तू मेरी औलाद है तो। देखो कहानी को जिस तरह शुरू होती है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो लड़का जो है वो एक गरीब माँ के यहाँ पे पैदा होता है और वहीं पे लड़की जो है एक रईस बाप के यहाँ पे पैदा होती है। दोनों के पास एक ही पेरेंट है, ऐसे में क्या है दोनों एक दूसरे का दर्द समझते हैं एक पेरेंट ना होने का और दोनों में प्यार हो जाता है। जहाँ पे लड़की को सिर्फ और सिर्फ गरीब लड़कों से प्यार है वहीं पे लड़की का बाप जो है वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी किसी गरीब लड़के के साथ हो, और ऊपर से उसने अपनी बेटी की शादी ऑलरेडी अपने दोस्त के बेटे के साथ फिक्स करके रखी है और वो दोस्त का बेटा कोई और नहीं हीरो के बाप का हत्यारा भी है। इसीलिए लड़की का बाप क्या करता है, हीरो की माँ का किडनैपिंग करवाता है और उस किडनैपिंग में उसका हाथ साथ कौन देता है, हीरो के मरे हुए बाप का भाई यानी कि हीरो का चाचा। चाचा लोगों का ऐसा ही है यार, आप कभी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। मेरी भी जॉइंट फैमिली है यार। अब जब हीरो को पता चलता है कि उसकी माँ किडनैप हो गई है, वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले जाके हीरोइन के पास जाता है क्योंकि माँ तो वहां पे वेट कर सकती है ना अच्छे से। हीरोइन के साथ अंडरस्टैंडिंग बैठाना जरूरी है, आफ्टरऑल उसके साथ हम पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं। वो जाके हीरोइन को बोलता है कि तेरे बाप ने मेरी मम्मी को किडनैप किया इसलिए मैं तेरे बाप को मार दूंगा और फिर मैं तेरे से शादी कर लूंगा। और लड़की बोलती है हाउ रोमांटिक। अब हीरोइन के साथ अंडरस्टैंडिंग बैठाने के बाद हीरो सोचता है कि अब मम्मी को भी बचा ही लेता हूं मैं जाके। जब वो विलन की हवेली में पहुंचता है तो वहां पे वो क्या देखता है कि विलन ने ऑलरेडी एक फौज जमा करके रखी है और उस फौज का सेनापति कोई और नहीं हीरो का मरा हुआ बाप है। प्लॉट ट्विस्ट, हीरो का बाप मरा ही नहीं था, ऑडियंस तुम चूतिया हो।
सारे गुंडों को मारने के बाद उसकी लड़ाई उसके बाप से होती है। उसी समय आसमान रो पड़ता है, बादलों की ठंड जाती है, और उसी समय वो बाप और बेटे सोचते हैं कि ये नेचर हमको कुछ हिंट देना चाहता है, कहीं हम दोनों ही बाप बेटे तो नहीं। पूरी की पूरी फैमिली का रीयूनियन होते देख विलन गुस्से से चिल्लाता है, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, क्या चूतिया आप फैला रखे हो यहाँ पे तुम लोग मेरी हवेली में। ये देख के उन तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जाके विलन को और सबको मार देते हैं आसानी से। फिर जब हीरो को पता चलता है कि उसका बाप तो मर गया और कन्यादान कौन करेगा, तो तुरंत जाके अपने बाप के पास रोती है, लेकिन वो क्या देखती है कि उसका बाप तो मर चुका है। लेकिन वहीं पे हीरो की माँ आती है हीरोइन के पास और उसे बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा फादर जरूर मर गया है लेकिन तुम्हें एक फादर इन लॉ मिल गया है। पुराने जमाने में प्रपोज करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, सुनो, क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनना पसंद करो? अरे दीदी ध्यान से सुन, वो शादी के लिए नहीं पूछ रहा है, वो सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ उसके लिए पूछ रहा है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये वाला तरीका आजकल काम नहीं करता है। अगर आप इस तरीके से आज किसी को प्रपोज करते हैं तो वो आपका स्क्रीनशॉट खींच के अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल देती है और फिर नो भी बोलती है। टाइप टू, कल मैं आ रहा हूँ तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांगने। हाँ अब तुम्हारे हाथ में तो दर्द होता होगा ना। क्या मतलब? अब मूवी का टाइटल रखने के लिए एक ही शर्त है कि उस टाइटल का मूवी के प्लॉट से कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। साले ऑडियंस को पूरी पिक्चर भर सस्पेंस में रहने दो। यानी पिक्चर का नाम तो तंबू में बम्बू था, न तंबू दिखाई दिया न बम्बू, बस हर 5 मिनट में हीरो हीरोइन चालू हो जाते हैं। कुछ कुछ मूवीज के नाम तो काफी अजीब है यार। घर में हूँ साली तो साल फिर दिवाली, मैं और मेरी लुगाई दुनिया बीच में आई, प्यार की चीख आ तेरी प्यास में बुझाऊं, कैसे बुझाएगा भाई तू, स्प्राइट पिलाएगा?